खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही। जहां पर गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट मामले में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। लखनऊ की विशेष अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की गई है रिवर प्रोजेक्ट मामले में। जिस तरीके से पूरे आरोप लगे थे, आरोपों के बाद में पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल चल रही थी, और ऐसे में सीबीआई अपनी जांच पड़ताल में जिस तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ रही थी, इसमें अभियंता के कार्यकारी अभियंता के रूप में जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं, जय राजकुमार यादव भी आरोपी इसमें बनाए गए हैं। सीबीआई ने अपनी जो पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई उसके मुताबिक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट मामले में जो आरोप पत्र आज दाखिल किए गए हैं, जिसमें विशेष अदालत में लखनऊ की विशेष अदालत सीबीआई की विशेष अदालत दरअसल ये है जिसमें आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं सीबीआई की तरफ से। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी। कार्यकारी अभियंता रूप सिंह यादव इसमें आरोपी बनाए गए हैं, साथ ही साथ में जय राजकुमार यादव भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। जाहिर तौर पर इसके साथ साथ में और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि सीबीआई के रडार पर हैं, और ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं बहुत सारे और दूसरे लोगों के, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब इसमें उस वक्त यानी कि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कई सारे बड़े नेताओं के भी नाम इसमें उछाले जा रहे थे। क्या जांच की आंच अब भी उन तक पहुंचेगी? हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव ऑनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, सीबीआई ने चार्जशीट तो फाइल कर दी, क्या मुख्य बिंदु है इस चार्जशीट के? देखिए, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, इसमें दो इंजीनियर का नाम शामिल किया गया है, यानी इनको आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही चार लोग कंपनी से संबंधित लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया था। सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है के स्पन का आ रहा है, गोमती रिवर फ्रंट में काम किया था, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। इनमें दो डायरेक्टर हैं, हिमांशु गुप्ता और कबीर गुप्ता का नाम शामिल किया गया है। अगर देखा जाए, गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर के करीब 1600 करोड़ रुपए की ये परियोजना थी, जिस पर योगी सरकार में जांच बैठाई गई थी, और इसमें आरोप लगाया गया था कि बिना काम कराए पैसा निकाल लिया गया, यानी काम जो है हुआ 60% और भुगतान करवा लिया गया 90% से ज्यादा। इन्हीं सब मामलों को लेकर जांच बैठी थी और सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था। कई सालों की जांच के बाद आज चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें 6 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है और अब इनका ट्रायल जो है सीबीआई कोर्ट पर चलेगा। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इन तमाम जानकारी के लिए।